नमः शिवाय आपके हर दुख दर्द को दूर करने वाला सावन का महीना शुरू हो रहा है और सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का दिन भी है आज दोनों पर बात होगी फिर देखिएगा आप ही समस्याएं कैसे छुमंतर होती हैं इधर चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर होगा और उधर सावन शुरू हो जाएंगे आपको इन दोनों का ध्यान रखना है कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि दो दिन बाद सावन का पहला सोमवार आ रहा है इसीलिए सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की पूजन विधि बता देती हूँ सोमवार सुबह कौन से सामान से पूजा करनी है कैसे करनी है आज ही सब कुछ जान लीजिए आपको सावन में कुछ अचूक उपाय बताऊंगी या आपको सावन में कर लेने हैं बहुत काम आएंगे और साथ साथ आपको सावन की सावधानी भी बताई जाएगी ये सावधानियाँ पूरे सावन आपके काम आएंगी साथ ही आज ब्लड मून है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसलिए आपको चंद्र ग्रहण की भी पूरी जानकारी दी जाएगी एक एक बात बात बताऊंगी सूतक सब हम जानेंगे। आइए करते हैं आज के पहले महा की। क्या आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है सावन के महीने में किसी भी दिन घर में शिवलिंग की स्थापना करें उनकी पूजा करें उसके बाद जो मंत्र बता रही हूँ उसका एक सौ आठ बार जाप करें मंत्र है ऐन ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम एंग। आपकी घड़ी में दोपहर के ढाई बज रहे हैं है ना बस कुछ घंटे बाकी हैं एक रात बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा कुछ ऐसे काम जो सावन के महीने में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं ध्यान से सुनिए शिवजी की पूजा करते समय ध्यान रखें शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें अगर दूध का सेवन करना भी है तो खूब उबाल कर दूध पिएं वैसे तो साग खाना सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन सावन में आप साग खाने से बचें इन दिनों साग में ज्यादा कीड़े लग जाते हैं साग के बाद बैंगन की सब्जी खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है सावन के महीने में मांसाहार यानी कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस बात का खास ख्याल रखें कि घर में कोई कलेश ना हो शांति बनी रहे तभी देवी देवताओं की कृपा बरसेगी अब आप फटाफट पूजन के सामान की पूरी लिस्ट बना लीजिए आज शाम ही सब खरीद कर रख लीजिएगा कल सुबह की पूजा में बहुत काम आएगा आपके। जल कलश ले, साथ में गंगा जल कच्चा दूध दही घी थोड़ा शहद चीनी केसर चंदन रौली चावल ये सारी चीजें बेलपत्र धतूरा भांग पान लौंग इलायची सुपारी धूप दीप अगरबत्ती माचिस कपूर प्रसाद के लिए मेवा मिठाई नारियल दक्षिणा के पैसे ये सब जरूर रख लीजिएगा पूजा की सामग्री जुटाने के बाद अब जानिए आपको पूजा कैसे करनी है अब सुनिए कल आपको क्या करना है कैसे पूजा शुरू करनी है सबसे पहले आप भगवान शिव का ध्यान करके तांबे के बर्तन से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं इसके बाद दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराएं इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर का जल मिलाकर स्नान कराएं चंदन आदि लगाएं अब मौली जनेऊ वस्त्र आदि चढ़ाएं इसके बाद इत्र और फूलमाला बेलपत्र चढ़ा दें बेलपत्र पर पांच ग्यारह इक्कीस इक्यावन शुभ संख्या रहेगी और शिव को अर्पित करें अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या आपको किसी रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है डॉक्टर की सलाह लेने के साथ साथ आप सावन महीने में ये उपाय कर सकती हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक करें अभिषेक करते समय ओम मंत्र का जाप करते रहें। पूजा की एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए आप अपनी समस्या के हिसाब से अगर भोलेनाथ पर फूल अर्पित करते हैं तो आपकी समस्या दूर होती है नोट कीजिए अगर आप लंबे समय से कोई गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा के वक्त चमेली का फूल चढ़ाएं, धन की किल्लत हो रही है तो जूही का फूल अर्पित करें जल्द शादी के लिए, बेला के, फूल मन की के लिए शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए याद रहे शिवजी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए तभी शिवजी की पूजा का रिजल्ट आपको मिलेगा और आरती के बाद क्षमा मंत्र जरूर बोलें मंत्र नोट कर लीजिए बहुत आराम से बोलूंगी आपको नोट करने का पूरा वक्त मिलेगा आवाहनम जानमी तवाचर पूजा परमेश्वरम अगर मंत्र नोट नहीं कर पाए हैं तो फोटो खींच लीजिए आपकी स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है लेकिन आप मेरे शो में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करें चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए अब आज का वादा पूरा कर देती हूँ आपको सावन क्यों? जो व्रत रखना है उसका सही तरीका बता देती हूं। जान लीजिए घर परिवार शादी पैसा नौकरी जमीन जायदाद जो भी समस्या होगी ना भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएगी ये व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू करके दिन के तीसरे पहर यानी कि सूर्यास्त तक किया जाता है सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं उसके पहले अनाज और नमक नहीं लिया जाता जहाँ तक संभव हो सूर्यास्त तक पानी फ्रूट जूस दूध छाछ ही ले लेने चाहिए नींबू पानी सेंधा नमक या काली मिर्च डालकर पी सकते हैं और सुनिए व्रत के समय तला होना सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर कंट्रोल ना हो तो पनीर उबला आलू कुट्टू सिंघाड़े का आटा राजगिरी का आटा साबुदाना दही सूखे मेवे मूंगफली नारियल पानी आप शेक ले सकते हैं अपनी पसंद का सिर्फ एक बार कोई भी चीज़ ले सकते हैं लेकिन भूख को बर्दाश्त कीजिए यही तो व्रत है लेकिन मेडिकल समस्या हो तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लीजिए और सुनिए व्रत में पानी खूब पिए सिर्फ लिक्विड चीजें लेने से शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है शिव पूजा में भगवान शिव को कच्चे चावल चढ़ाने का विशेष महत्व है कच्चे चावल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के 108 मंत्रों का जाप करें देखिए कृपा जरूर मिलेगी चलिए अब आपको सावन से जुड़ा तीसरा महा उपाय बता देती हूँ क्या घर में सुख शांति नहीं रहती है सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर घर में सुख समृद्धि बढ़ती है सावन की बात भी होगी और चंद्र ग्रहण की बात भी होगी आज रात को चंद्र ग्रहण है वो भी ऐसा चंद्र ग्रहण नहीं 104 साल बाद महासयोग बन रहा है आज रात ब्लड मून होगा 21वीं सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आ गया आइए आपको खास जानकारी देती हूँ कल मैंने बहुत कुछ बता दिया था लेकिन आज फिर भी कुछ जरूरी जानकारी देनी है आज रात खगरास चंद्र ग्रहण होगा 27 और 28 जुलाई को तीन घंटे पचपन मिनट का खास खग्रास चंद्र ग्रहण होगा पूरे देश के कई इलाकों में चंद्र ग्रहण लगेगा एक साल बाद साल संयोग बन रहा है अब सूतक की जानकारी ले लीजिए सूतक आचार पूर्णिमा ग्रहण प्रारंभ होने के तीन पहर यानी कि नौ घंटा पहले शुरू होगा मोक्ष तड़के तीन पचपन बजे होगा ग्रहण स्पर्श रात ग्यारह पैंतालीस बजे ग्रहण रात एक बजे रात दो बजे होगा। क्या करें और क्या ना करें में तीन पहर पहले भोजन नहीं करना चाहिए बुजुर्ग बालक डेढ़ पहले तक खा सकते हैं जिन चीजों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वो दूषित नहीं होती ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिले जल का उपयोग नहीं करना चाहिए ग्रहण शुरू होने के अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए सावन से जुड़ा क्या है आज का चौथा महा उपाय ध्यान से सुनिए आपके लिए सवाल ये है कि आपको ये करना है क्या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ऐसे में रोजाना 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष आप पहने वैसे तो ओरिजिनल मिलता नहीं है पर जो भी आपको एक मुखी कह के मिल जाए बस उसकी पूजा अर्चना करें चंद्र ग्रहण के मौके पर चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए उपाय तो मैं बता ही रही हूँ साथ ही और भी बहुत कुछ चंद्रमा की आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है और असर भी पड़ता है लेकिन कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर आप अपने चंद्रमा को अपनी जिंदगी में शुभ फल देने वाला बना सकते हैं आपको कौन सी वास्तु टिप्स इस्तेमाल करनी है जानिए जन्म कुंडली में मौजूद सभी नौ ग्रह अपनी अपनी तरह से इंसान को प्रभावित करते हैं उनके लाइफ पर अपना असर छोड़ते हैं अगर शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो इसका फल भी इंसान को अच्छा मिलता है और अशुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो ऐसे में इसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है कुंडली में ग्रहों की कमज़ोर स्थिति कई तरह से परेशानी पैदा कर सकती है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो आपकी परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है देखिए क्यों क्योंकि चंद्रमा को संतुलित करना या उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आप रंगों से लेकर वास्तुशास्त्र तक जुड़े कारगर उपाय आजमा सकते हैं आइए जानते हैं उपायों के बारे में जो वाकई ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करना हो या फिर उसकी ताकत को बढ़ाना हो दोनों ही मामलों में रत्न उपयोगी सिद्ध होते हैं मसलन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा असंतुलित है तो आपको कम से कम दस रत्ती का मोती धारण करना चाहिए चिकने सुडौल और चमकीले मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वा कर आप सावन के दिन अपनी लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार आने लगेगा अगर किसी कारणवश आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मोती के उपरत्न मून स्टोन को भी पहन सकते हैं आप इसे चांदी की अंगूठी में डालकर पहन सकते हैं और चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं रत्न के अलावा आप रंगों के द्वारा भी कमज़ोर चंद्रमा की वजह से हो रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं सफ़ेद और स्लेटी रंग चंद्रमा का प्रतीक होते हैं इसके अलावा चमकीला नीला हरा गुलाबी आसमानी रंग भी लाभदायक सिद्ध होते हैं जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें काले और लाल रंग से परहेज रखना चाहिए फूलों में चंदन लिली चमेली कमल जैसे फूलों की सुगंध का प्रयोग भी चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है रंगों और रत्नों के अलावा चलिए अब बात करते हैं ऐसे योगासनों की जिनकी सहायता से आप अपनी कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम वज्र आसन भी फायदा देता है ओम का उच्चारण भी एक योग का अहम हिस्सा है नियमित रूप से रोजाना ध्यान करते समय 108 बार ओम का उच्चारण चंद्रमा को संतुलित करता है जब किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो उसे खून की परेशानियों का सामना करना पड़ता है घर का वास्तु भी कमज़ोर चंद्रमा चंद्रमा की वजह से नेगेटिव नतीजे देता है अपने अपने को शक्तिशाली मजबूत बनाने के के लिए आपको अपने घर के वास्तु में भी कुछ बदलाव करने चाहिए चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है आपको अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा को वैसे तो आप नॉर्मल रखिए पर ऊंची भी है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती और हो सके तो घर का भारी सामान इस डायरेक्शन में ना रखें जल को बर्बाद करने से बचाएं अपने घर के खराब नलकों को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में झाड़ू या किसी भी तरीके की गंदगी साफ़ सफाई से जुड़ी चीजें जैसे पोछा डस्टर ना रखें घर के उत्तर पश्चिम कोने में गुलाबी रंग का बल्ब लगाएं और दिन ढलते ही उसे जला दें घर के मेन गेट पर आठ कोनों वाला दर्पण कुछ इस तरह लगाएं कि बाहर खड़े शख्स को उस दर्पण में अपना चेहरा नजर आए ब्लड मून का चंद्र ग्रहण है आपको कुछ भी मिस नहीं करना है इसीलिए अब आपको बताने जा रही हूँ कि राशि के हिसाब से आपके चंद्र ग्रहण पर आपको क्या करना है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेष राशि वाले लोगों को परेशानियों से बचने के लिए मंगल से संबंधित वस्तु जैसे गुड़ और मसूर की दाल का दान करना चाहिए वृषभ राशि के लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इस दिन श्री सुक्त का पाठ करना चाहिए और मंदिर में अन्न का दान करें मिथुन राशि के लोग बीमारी को दूर करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए गाय को पालक या हरी घास खिलाएं किसी गौशाला में धन का दान करें कर्क राशि के लोग जिन लोगों की राशि कर्क है उन्हें इस दिन सूतक से पहले शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए ओम सोम सुमाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए सिंह राशि के लोग इस राशि के लोगों को क्रोध जल्दी आता है इन्हें क्रोध पर काबू पाने के लिए इस दिन गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि के लोग धन संबंधित कामों की परेशानियों को दूर करने के लिए किसी जरूरतमंद सुहागन को हरी चूड़ियां दान करें गाय को पालक खिलाएं तुला राशि के लोग चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक से पहले श्री सुक्त का पाठ करें अन्न का दान करें वृश्चिक राशि के लोग मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करें धनु राशि के लोग पैसों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गाय को फल खिलाएं मकर राशि के लोग जिन लोगों की राशि मकर है उन्हें बीमारियों से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए काले तिल का दान करें कुंभ राशि के लोग चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें काली उड़द का दान करें मीन राशि वाले लोगों को सूतक से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को केले आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का देखिए चंद्र ग्रहण और सावन दोनों में रिलेटिविटी है आपको तो पता ही है कि शिव जी ने अपने माथे पर अपने हेड पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है आप एक खास काम कीजिएगा आज रात को शिवजी का ध्यान करने से भी और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करने से भी आपके चंद्रमा स्थिति की स्थिति सुधरती है एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे जरा आपके कल को अच्छा करते हैं क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से जानिए कल तो सावन है जरूर सुन लीजिए ध्यान से सबसे पहले मेष राशि की बात मेष राशि के लोग कल ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें लक साथ दे रहा है आपका 80 परसेंट वृश्चि राशि के लोग कल शिव मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए किस्मत सात दे रही है आपका 77 परसेंट मिथुन राशि के लोग कल शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए भाग्य साथ दे रहा है आपका 70 परसेंट कर्क राशि के लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें लक साथ दे रहा है आपका 75 परसेंट सिंह राशि के लोग शिव चालिशा का पाठ आप जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 68 परसेंट कन्या राशि के लोग शिव मंदिर में पूजा कीजिए भाग्य साथ दे रहा है आपका 72 परसेंट तुला राशि के लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ाइए लक साथ दे रहा है आपका 84 परसेंट राशि के लोग शिव जी का रुद्रभिषेक करें भाग्य साथ दे रहा है आपका धनुराशि के लोग भगवान भोलेनाथ को धतूरा लक साथ दे रहा है आपका सिक्सटी टू परसेंट मकर राशि के लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका सेवेंटी थ्री परसेंट कुंभ राशि के लोग रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 79 परसेंट मीन राशि के लोग शिवजी को कनेर का फूल चढ़ाएं किस्मत साथ दे रही है आपका 69 परसेंट फेसबुक पर माया बेस्ट ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है बेसिकली माया फ्यूचर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहती हैं पर लाख कोशिशों के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं जिससे वो परेशान है और उपाय जानना चाहती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ग्लोब को रखिए और उसको सत्रह बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको डेली घुमाना है इसी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करनी है और फेसिंग नॉर्थ ईस्ट पर रहे आपका काम जल्द बनेगा अब आखिर में सावन का पांचवा और आखिरी महा उपाय क्या है ये बताती हूँ क्या लंबे समय से कोई परेशानी दूर नहीं हो रही है सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और गूगल की धूप दें कल का क्या कहना कल से तो सावन शुरू हो रहे हैं कल तो आपको बहुत जरूरी चीजें पता चलेंगे इसलिए कल से लेकर सावन तक कोई भी एपिसोड मिस नहीं कीजिएगा चलिए अब आपको बताते हैं कल ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी हैं लेकिन ये कल अब मुझे इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर ओम शिवाय